अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो होगी मस्जिद खादरिया, वन ऑफ द फेमस मस्जिद इन बेंगलोर एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मस्जिद इन बेंगलोर। इसका पूरा इंटीरियर, एक्सटीरियर, अंदर बाहर सब आपको मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मस्जिद खादरिया का बाहर लॉन है, ये फाउंटेन है जो ज़्यादातर फ्राइडे को या फिर ओकेशनली जैसा कि शाबान और 26वीं जैसा भी हमारे जागने की रातें रहती हैं वो टाइम पे ऑन होता है, कभी भी स्पेशल ओकेशन पे ऑन होता है। माशाल्लाह बहुत उस टाइम पे तो इधर बहुत माशाल्लाह क्राउड रहती है, बहुत आदमी इबादत करने के लिए और सुकून पाने के लिए आते हैं। ये जो ये है, ये वॉशरूम है एक्चुअली, आप शायद आप देख सकते हो, टॉयलेट एंड बाथरूम। अंदर जाके दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको एक बार दिखा देता हूँ अंदर भी। ये वॉशरूम है मस्जिद का और उसके बाजू में जो है वो शू काउंटर है, ये शू काउंटर, और उसके बाजू में जो है वो वज़ू खाना है, ये दूसरा शू काउंटर है। वज़ू खाना भी आपको दिखा देता हूँ। ये वज़ू खाना है, इधर दो वज़ू खाने हैं, वो सेट का भी वज़ू खाना है जो मोस्टली लॉक रहता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं वज़ू बना देता हूँ, उसके बाद में आपको उस वज़ू खाने को दिखाता हूँ। जो हम वज़ू खाने से बाहर निकल रहे हैं, ये इधर छोटा पीने के पानी का है, शायद वर्क हो रहा है नहीं पता नहीं। हम बाहर निकलते हैं और इधर ड्रिंकिंग वाटर का स्पॉट है, जिसको भी चाहे बैठ कर पानी पी सकते हैं, ठंडा गर्म नॉर्मल कुछ भी आ सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली अब तो ठंडा आ रहा है नहीं पता नहीं, पहले तो इधर ऑप्शन था। मैं तो इस मस्जिद को बचपन से आ रहा हूँ, बचपन से मतलब मेरे स्कूल डेज से आ रहा था एक्चुअली। स्कूल डेज में भी फ्राइडे को इधर ही भेजते थे क्योंकि नज़दीक थी इधर से स्कूल हमारी। चलो चेक करते हैं पानी ठंडा आ रहा है नहीं। ये हो गया पानी पी के, नॉर्मल ही आ रहा था पानी, ज़्यादा कोल्ड भी नहीं था, वार्म भी नहीं था, नॉर्मल था। ये मस्जिद के बैक साइड का हिस्सा है, कुछ शायद कुछ काम चल रहा है उधर पे, आप जैसा कि आप देख सकते हो। ये जो मैंने बोला था आपको दूसरा वज़ू खाना है, ये ज़्यादातर क्लोज रहता है क्योंकि ज़्यादा बड़ी मस्जिद है और नॉर्मल टाइम्स पे ज़्यादा क्राउड नहीं रहती, इसलिए ज़्यादातर चीज़ें तो बंद करके रखते हैं। ये है व्यू, ये और एक एंट्रेंस है पीछे की मस्जिद। ये पूरा ज़्यादातर लोग आते नहीं हैं, सामने से आके नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं। जुम्मा को सब इधर पे लोग आते हैं, बैठे हैं, बयान सुनते हैं, कुछ लोग बाहर बैठ के भी बयान सुनना पसंद करते हैं, जिसको जैसा जैसा सुना है बेस्ड ऑन द चॉइस। ये भी पूरा पीछे का हिस्सा है। चलो आपको अंदर का दिखाता हूँ। ये मैं पीछे के एंट्रेंस से ही अंदर आ गया, ये आप कॉरिडोर कह सकते हैं इसको, इधर भी लोग नमाज़ पढ़ते हैं जब ज़्यादा रश क्राउड होता है तब। ये मैं एंटर करने जा रहा हूँ मेन एंट्रेंस से मस्जिद के, जहाँ नॉर्मली नमाज़ होती है, ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर तो क्लोज रहता है। देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी मस्जिद है, मस्जिद के अंदर जाने से पहले दुआ भी लिखी हुई है, अल्लाह मुफ्तली अब्बाब रहमतिक, अल्लाह ओपन एंड टू मी गेट्स ऑफ द मस्जिद। ये अंदर का हिस्सा है,
मैं धीरे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इधर बस कुछ लोग आराम कर रहे हैं ताकि उनको डिस्टर्ब ना हो। जो भी डंजो के जोमेटो के जो भी लोग काम करते हैं ज़्यादातर दोपहर का टाइम आके आराम करके जाते हैं क्योंकि समर का सीज़न भी है तो धूप भी बहुत ज़्यादा रहती है ना, इसलिए ये तो सिर्फ नीचे का ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये तो माशाल्लाह ये झूमर तो मैं बचपन से देख रहा हूँ माशाल्लाह, अभी तक पूरा अंदर का हिस्सा है मस्जिद का। जब कभी भी आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग क्यों आप तो फ्यूचर में ब्लॉग डालता ही रहूँगा, नॉट ओनली मस्जिद और वर्शिप प्लेसेस, जहीं कहीं पर भी जाऊँगा। अभी तो नेक्स्ट वीक नंदी हिल्स जाने का प्लान है, देखते हैं उधर का भी ब्लॉग। जहाँ जहाँ भी आपको डालूँगा डेली रूटीन ब्लॉग्स डालता रहूँगा मैं। सो स्टे ट्यून, चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अभी मैं नमाज पढ़ के फिर से वापस आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ख़त्म हो गई, अभी मैं बाहर की तरफ निकल रहा हूँ। एक्चुअली प्लान था कुछ हिल स्टेशंस पे या फिर कुछ बीच वैसे जगहों पे जाके फर्स्ट ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन मुझे ख्याल आया कि अगर फर्स्ट ब्लॉग मस्जिद से शुरू करूँगा तो इंशाल्लाह इसमें बरकत होगी, तो मस्जिद से शुरू करना अच्छी बात भी है, इसलिए मैंने फ़र्स्ट ब्लॉग मस्जिद का बना दिया, खादिया मस्जिद का। और ये जो हमारी बैंगलोर की मस्जिद है ये भी मैं सबको एक्सप्लोर करवाना चाहता था, मेरे साथ साथ सबको भी। ज़्यादातर लोग तो इधर आ चुके होंगे लेकिन जो लोग नहीं आए हैं वो प्लीज़ आएँ और उनको भी पता चलना चाहिए कि इतनी अच्छी मस्जिद बेंगलोर में भी है। तो चलो मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ। ये बाहर की तरफ निकल रही तो जैसा कि मैंने आने के टाइम पर दिखाया था एंट्रेंस गेट है, उधर से ही एग्ज़िट हो रहा हूँ मैं। ज़्यादातर तो मैं इधर जब आता हूँ नमाज के लिए तो पढ़ के आराम से एक डेढ़ घंटा बैठ के जाता हूँ। ये रहा बाहर का हिस्सा ये एग्ज़िट होने के लिए, और ये पीछे के एंट्रेंस है उधर पे, वो शायद ज़रूरत नहीं है इसकी, ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते लोग उसको। ये है हमारा ईदगाह, खुद साहब का ईदगाह जिसको बोलते हैं। ये भी अच्छी प्लेस है, जुम्मा को तो नहीं बोलूँगा लेकिन जुम्मा को पार्किंग उधर पर फुल रहती है, और ईद के दिन तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि रश तो बाहर के आधे मेन रोड तक भी हो जाता है। चलो मैं कुछ एक्सप्लोर करवा देता हूँ आपको इधर। चलो ये पूरा ग्राउंड है इसका मस्जिद का, इधर पूरे मैंगो ट्रीज पूरा कोकोनट ट्रीज पूरे झाड़ों से भरा हुआ है। इधर एक्चुअली कोई भी नहीं आता, जो भी बच्चे होते हैं जो गाड़ी सीखने के लिए करने के लिए आते हैं इधर पे, खेलने वाले तो कोई नहीं आते। ये पूरा ईदगाह है देखो, इधर तो ईद के दिन तो इधर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती। फोटोशूट सब अच्छा कर सकते हैं इधर पे एक्चुअली। अच्छी है जगह इधर भी, बाहर जो ट्रैफिक पुलिस लोग जो भी होते हैं वो भी आके इधर झाड़ के नीचे आराम करके जाते हैं, अपनी टू व्हीलर या कार किसी में भी व्हाटएवर किसी में भी आके बैठ के करके। अभी आपको बाहर की तरफ लेके जा रहा हूँ, मेरे को बाहर की तरफ लेके जाऊँगा और आपको मेन एंट्रेंस दिखाऊँगा। मस्जिद के बाहर जा रहा हूँ मैं अभी, ये हमारा मेन एंट्रेंस है। ये मस्जिद का मेन एंट्रेंस, मस्जिद है खादरिया जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट रोड, ईदगाह खुदस साहब, मस्जिद खादरिया।
चलो आपको रास्ता भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैं यूजुअली इस रोड से नहीं जाता, मैं कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के रोड से नहीं जाता। मैं एक्चुअली वो एक जो उधर का रोड है, पीछे का रोड है, शायद किसी को पता होगा या नहीं मालूम नहीं, थोड़े लोगों को शायद पता भी होगा, वो दूसरा रोड अंदर से जाता है, AKS प्रोजेक्ट उनके तरफ से जाता है, उसके ऊपर से जाता हूँ। मुझे एक्चुअली शिवाजीनगर को जाना है, उधर से जाता हूँ। वो अभी क्या बहुत एग्रेसिव लुक में खड़ा है कुत्ता, ये कुछ किया नहीं। आपको एक्सप्लोर करवाने के लिए ये रोड में जा रहा हूँ। खाली है रोड पे, संडे है ना, संडे को तो मस्त ट्रैफिक भी नहीं, क्या भी नहीं, रोड भी खाली, पूरा जबरदस्त रहता है। स्टार्ट करूंगा, चलो सिग्नल पड़ा है, सिग्नल के बाद कंटिन्यू करते हैं। मैं डेली व्लॉग्स डालने की कोशिश करूंगा आपसे। चलो सामने ट्रैफिक है तो अपन लोग लेफ्ट ले लेते हैं। ये हमारा टास्कटॉन पार्क है शिवाजी नगर का, बहुत पुराने हो चुके हैं ये पार्क, अभी तो ज़्यादा लोग नहीं आते इधर। एक्चुअली मुझे थोड़ा बाहर जाना है तो मैं अभी व्लॉग एंड कर दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, न्यू चैनल है, शायद सेकेंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो तो ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं थी पता है, तो इसको ही फर्स्ट वीडियो मान के चलो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, प्लीज़ सपोर्ट करो एक्साइटिंग अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, फी अमानुल्लाह।